गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामबाबू वर्मा आपके लिए स्पेशल रीजनिंग क्लास लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर क्लासेस। तो फटाफट आइए और मेरे साथ जुड़ जाइए और टाइम को बर्बाद नहीं करके डायरेक्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है, बताना चाहता हूँ आपको, आज बात करेंगे हम रैंकिंग। रैंकिंग, रैंकिंग का अर्थ होता है क्रमांक। क्रमांक को देखते से आपको पता लग गया होगा क्रमांक क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबरिंग, उसको ही क्रमांक कहते हैं। किसी को क्रमांक, क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 ए बी सी डी कैसे भी हो सकते हैं, अल्जेब्रिक अल्फाबेट होते हैं, नंबरिंग होते हैं, कैसे भी होते हैं। तो सी, इसके अंदर रैंकिंग का मतलब क्या होता है? रैंकिंग यानी किसी को क्रम से व्यवस्थित करना, वो रैंकिंग होता है। दोस्तों, हमारा ध्यान सबसे पहले कंसेप्ट पे होना चाहिए, सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। जब हमारे कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे तो हम अच्छे से चीज को समझ पाएंगे। रैंकिंग में कुछ कंसेप्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं, उनको अच्छे से समझना होता है और उसको अच्छे से हम समझ चुके हैं तो सोच लो हमारा सब कुछ ठीक हो गया। रैंकिंग में स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ रैंकिंग में कि वास्तव में रैंकिंग क्या होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं आपको बेसिक बताता हूँ पहले। कोई भी व्यक्ति है या कोई भी होता है तो उसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। उसको व्यवस्थित करने के लिए इसको यहाँ बिठाया, इसको यहाँ बिठाया, इसको यहाँ बिठाया, यहाँ बिठाया, इस प्रकार से बैठे हुए हैं तो उनको किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, उस व्यवस्था को ही हम क्रमांक कहते हैं। या ये बताना है कोई व्यक्ति कहाँ बैठा है, कोई व्यक्ति कैसे है, कि स्थिति को हमें निर्धारित करना है। अब इसके अलग अलग कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को आपको देखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ इसका। स्टार्टिंग में ये देखेंगे कि व्यक्ति किस प्रकार से बैठा हुआ है। जैसे ये है, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, इसमें कोई भी व्यक्ति बैठा होता है तो पहले हमें उसको ये देखना रहता है उस व्यक्ति का दायां बायां, ये जानते हो आप लेफ्ट राइट किसे कहते हैं, लेफ्ट राइट के बारे में। तो दायां बायां के बारे में हमें पहले जानकारी होना चाहिए। जैसे ये लेफ्ट है, अब देखते हैं जब व्यक्ति का मुख, जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपको दिया है, जब व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में हो, जब व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में हो तो क्या होगा? देखो, जब व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में हो, जैसे मैं इस तरह से मुंह करके खड़ा हूं, मेरा उत्तर है। आप ये मान के चलिए जिस तरफ आपका मुंह है उस तरफ भी क्या है, उत्तर दिशा है। ये मान के चलिए जिस तरफ से आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में जिस डायरेक्शन में आपका मुंह होगा उसको मान लीजिए कि वो कौन सी डायरेक्शन है आपकी, वो नॉर्थ डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जब व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में होगा तब क्या स्थिति बनती है? ये व्यक्ति है, जैसे कोई भी व्यक्ति दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है राजेश कुमार, यहाँ पे राजेश कुमार बैठा हुआ है, इसका मुंह किस दिशा में है ये आप यहाँ पे बना लीजिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो अब आपका नॉर्थ में मुंह है, इस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। जब व्यक्ति नॉर्थ में मुंह करके बैठा होता है, उत्तर दिशा में उसका मुंह होता है, उस समय आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाला जो भाग होता है उसका ये वाला, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। क्या बोलेंगे इसको? लेफ्ट साइड। और इस वाली साइड को बोलेंगे राइट साइड। ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका कौन सा साइड है? राइट साइड है। राइट, लेफ्ट साइड, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं इंग्लिश में समझते हैं लेफ्ट साइड,
दोस्तों वहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों का होता है, लेकिन हमें हिंदी में भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पे हिंदी में बहुत अच्छे से जमा के देता है हर चीज़ को कि आपको कैसे क्या करना है। तो लेफ्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं हिंदी में? लेफ्ट को बोलते बाया, लेफ्ट को क्या बोलेंगे? बाया। और राइट को क्या बोलेंगे? दायां भाग, दाएं बाएं। अब आपका हमेशा ध्यान रखना कि जो बायां वाला भाग होता है वो बायां वाला जिधर हमारी शर्ट होती है, शर्ट में जो शर्ट पहनते हैं उसमें जेब होता है, जिस तरफ जेब होता है वो वाला भाग हमेशा हमारा लेफ्ट होता है, ये ध्यान रखना। लेफ्ट साइड जिधर जेब होता है उधर लेफ्ट साइड होती है, और उस लेफ्ट साइड को ही हम क्या बोलते हैं? बायां बोलते हैं। तो जब व्यक्ति का मुंह, इसके ये कंसेप्ट याद रखेंगे थोड़ा सा, जब व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में होता है तब इस तरफ क्या होता है? बायां होता है, और इस ओर क्या होता है? इसका दायां, जैसे ये दिया हुआ है। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इसमें बोलते हैं जब व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में हो, दक्षिण दिशा में हो, जब व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में हो, उस समय क्या स्थिति बनती? देखिए आप, अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में हो गया? दक्षिण दिशा में हो गया। भैया पहले मैं, जैसे मैं खड़ा हूं, इसको ऐसे देखिए, जैसे मैं खड़ा हूं, अब मैं जिस तरफ से खड़ा हूं तो ये मेरा राइट था, ये मेरा लेफ्ट था, ये वाला राइट है, तो दिखाई दे रहा आपको, ये वाला हैंड है वो राइट हैंड है मेरा अभी, क्योंकि मेरी जो मेरा मुख है वो उत्तर दिशा में, लेकिन ये मेरा राइट है। अब मैं दक्षिण में मुड़ जाता हूँ, इस तरफ दक्षिण में मुड़ गया, मेरा मुख कैसे हो गया? दक्षिण डायरेक्शन में हो गया। उस समय आप देखिए राइट किधर आ गया, जो पहले मैं इधर जय बोल रहा था इधर, इस तरह से राइट किधर आ गया? ये वाला राइट हो गया। देखिए अब राइट किधर हो गया? ये वाला राइट हो गया, और ये वाला क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। मुख किस डायरेक्शन? इधर नॉर्थ में था और इधर साउथ में मुख हो गया, तो ये राइट हो गया और लेफ्ट हो गया, यानी कि दायां इधर हो गया और इधर किस ओर, इधर क्या हो गया? इधर बायां हो गया, इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया और इधर बायां हो गया। अगर एक लाइन बनी हुई है इस प्रकार से, अगर लाइन बनी हुई है आप ऐसे देखिए, इस प्रकार से लाइन बनी हुई है, सीधी लाइन में कोई है, यानी इसका मुख इस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, तो भैया ये लेफ्ट हो जाएगा। जब इसके मुख ईस्ट में है तो ये इस डायरेक्शन, यानी कि पूर्व करके बैठा हुआ है, उस समय ऊपर वाला लेफ्ट हो जाएगा और नीचे वाला राइट हो जाएगा। एक सीधी पंक्ति में ऐसे बोला जाता है, एक सीधी पंक्ति में ऊपर से पांचवा स्थान है किसी का, तो ऊपर से यानी कि ऊपर लेफ्ट से उसका पांचवा स्थान है, नीचे राइट से लेफ्ट रहे, समझ में आ रहा है आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग? यानी कि हमेशा ही आप देखिए, तो बायां बोलते हैं और इसको बोलते हैं दायां, समझ में आया आपको? अब इसका अगर मुख इधर कर दिया जाए, अगर इधर इसका मुंह इधर हो जाएगा तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। अगर एक बात पूछी जाती है आपसे, हमेशा से ध्यान से देखेंगे इसको कि भैया क्या पूछा जा रहा है आपको, तो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब आपका मुख उत्तर दिशा में होता है ये होता है, जब आपका मुख ये है, वो खुद ही एग्जामिनर खुद ही बोल देगा के अंदर लाइन में क्वेश्चन में आता है, कोई व्यक्ति है जिसका मुख उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में, अगर ऐसे बोलता है तो आप बिल्कुल, आपको बताया मैंने किस प्रकार से करना है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता है कि कोई बैठा हुआ है और उसका मुख किस दिशा में है, जब हमें पता ही नहीं होता है कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो दोस्तों उसको हम क्या मानेंगे? उसको मानते हैं कि व्यक्ति का मुँह हमेशा नॉर्थ में मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब आपको पता नहीं होगा किस डायरेक्शन में है तो उस समय आप उसको नॉर्थ में ही मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट करते हैं इसी को। देखिए लेफ्ट राइट का तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो सकती इसके अंदर। लेकिन अब जब मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ इसका, अब स्टार्ट करते हैं हम रैंकिंग में।
इसमें क्या होता है, पहला एक बताते हैं इसके अंदर, देखिए दोस्तों बच्चों, रेलवे के अंदर रैंकिंग भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और आप इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे और मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें किसी बात की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। 101% आपको इसके अंदर 101% आपको इसमें सफलता मिलेगी और आप, मैं कह सकता हूं कि आप एप्लीकेशन नहीं छोड़ के आएंगे इसका, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। जैसे मैं पहला ये बताता हूं, जिसमें आप देखिए, जब पहला है, जब एक व्यक्ति का स्थान, जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से दिया गया हो, एक व्यक्ति का स्थान जब दोनों ओर से दिया गया हो तब क्या होगा। जैसे यहां पे क्वेश्चंस के रूप में लिख सकते हैं कि एक पंक्ति में, पंक्ति को जानते हो, लाइन को पंक्ति बोलते हैं, क्वेश्चंस में पंक्ति आएगी, रो बोलते हैं, रो पंक्ति है। तो एक पंक्ति में एनीवन, ये हमारा क्या है, कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट है ये, तो ध्यान रखना, जब व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से दिया गया, तो इसका एक कंसेप्ट है पहला ये। इस कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस को अगर हम सोल्व करते हैं तो क्वेश्चंस है, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चंस लिखाता हूं आपको, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं ओर से 15वां है, 15वां, और दाएं ओर से 20वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं या कुल कितने व्यक्ति हैं समझ में आ रहा आपको? एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं ओर से 15वां है और दाएं ओर से 20वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? आपको समझ में आ रहा? एक लाइन है, एक लाइन में आगे से उसको गिना जाएगा तो वो 15वें नंबर से आ रहा है, पीछे से उसी आदमी को गिनेंगे तो 20वें स्थान पे आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने लोग हैं पंक्ति में, पूरी लाइन में कितने बैठे हुए। ऐसे डायरेक्टली बता नहीं सकते आप, लेकिन उसको करेंगे तो हम इसको कर पाएंगे। देखिए, एक पंक्ति बनाई हमने, ऐसे एक पंक्ति बनी हुई है, ये आपको पता है, इसमें कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ए का मुख किस दिशा में, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है क्या बताइए? ऐसे लिखा हुआ है कि एक ने किधर मुंह करके खड़ा हुआ बैठा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको ये पता नहीं होता है कि व्यक्ति किस ओर मुंह करके बैठा हुआ है, ऐसी कंडीशंस में आप क्या करेंगे, उसका मुख किस दिशा में करेंगे, उत्तर दिशा में, ऊपर की ओर हमेशा उत्तरी दिशा होती है। आप ध्यान रखें, मेरे कहने का मतलब ये, जिस ओर आप बैठे हुए हैं, आपका मुंह कोई सी भी दिशा में हो, लेकिन जिस दिशा में आप बैठे हुए हैं तो आपका मुंह जिधर भी है उसको उत्तर मान के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये उत्तर दिशा में ए बैठा हुआ है, इसका इधर से ये, अब ये उत्तर दिशा में इसका मुंह है तो ये लेफ्ट हो गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, राइट हो गया। लेफ्ट को क्या बोलेंगे, बायां बोलेंगे, ये बायां है, और इसको क्या बोलेंगे, दायां बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बायां, इसको बोलेंगे दायां। अब यहां से इसको देखेंगे, यहां से अगर आप इसको देखते हैं
इस तरफ से उसने बोला कि ये 15वां स्थान है। किस ओर से बताया उसने, देखिए आप बाएं ओर से बोला उसने 15वें नंबर पे है, तो ये बाएं ओर से कौन से पे है, 15वें नंबर पे। अब एक काम जरूर करना आप, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो पेपर में आपकी प्रैक्टिस जब तक ढंग से नहीं होती है, आप इस प्रकार से ऐसे कंडीशंस जरूर बनाएं। ऐसे बनाने से आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से कर भी पाएंगे एग्जाम में। तो अब आप इस तरह से सीखते रहेंगे तो एग्जाम में तो दोस्तों आप बहुत ईजी कर लेंगे, यहीं पर सोल्व कर लेंगे। कई बार बाई ऑप्शन से भी बताऊंगा आपको कि कैसे सोल्व करना बाई ऑप्शन। यहाँ से यहाँ तक अब दाएं ओर से इसको देखेंगे तो इसका कौन सा स्थान है, 20वां स्थान हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा पंक्ति में कुल कितने हैं, इस लाइन में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इसको एक सोल्व करने का तरीका होता है कि आप जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो तो आप ध्यान से देखेंगे कि एक पंक्ति के अंदर ये एक ही आदमी को हम दो बार गिन रहे हैं, एक ही आदमी को जो ए है, इधर से भी आप इसको गिन रहे हैं और इधर से भी आप गिन रहे हैं, यानी कि इस वाली पंक्ति में एक आदमी को हम दो बार गिन रहे हैं। तो एक आदमी को दो बार गिनने का मतलब ये हो गया कि हम उस व्यक्ति को दो बार गिन रहे हैं, तो हमारा एक एक्स्ट्रा आदमी आ रहा उसमें। एक जितने लोग है, जैसे मान लो 50 लोग आते हैं तो इसके अंदर 51 लोग आ रहे हैं क्योंकि एक आदमी को हम दो बार गिन रहे हैं। ये बात समझ में आ रही ना आपको, तो एक आदमी को दो बार गिन रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करके इनमें से एक आदमी कम कर देते, एक को कम कर देते, दो बार गिन रहे तो एक ही बार गिनते इसको। इधर कितना हो गया इनका ऐड किया तो, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 35 हो गया। अब 35 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 34। ये आंसर्स आ गया। टोटल लोग कितने बैठे हुए हैं पंक्ति में, 34 लोग बैठे हुए। अब इसको अगर आप जैसे ध्यान नहीं रहे तो इसके लिए टोटल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ के उसमें एक माइनस कर देंगे। कहने का मतलब वही है जो मैंने बताया, लेफ्ट और राइट यानी एक आदमी को दो बार गिन रहे हम, तो एक बार को कम कर दीजिए, टोटल आ जाएंगे नंबर्स उसके। समझ में आया कि नहीं आया इसका पहला कंसेप्ट, किस प्रकार से एक आदमी का स्थान दोनों तरफ से दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, ये आपको मैंने बताया ऐसे करना। नेक्स्ट सेकंड कंसेप्ट देखिए इसका, दूसरा वाला कंसेप्ट ये है जब एक व्यक्ति का स्थान दिया गया हो, जब एक व्यक्ति का स्थान दिया गया हो और कुल व्यक्ति भी दिए हो, तो कुल व्यक्ति भी दिए हो तो उसी व्यक्ति का दूसरी ओर से स्थान ज्ञात करना, दूसरी ओर से स्थान ज्ञात करना। धन्यवाद। सेकंड कंसेप्ट, जब टोटल दिए गए हों यानी एक व्यक्ति का स्थान दिया गया हो और उसके अंदर कुल व्यक्ति दिए गए, यानी आपको जो बता दिया गया ऐसे बता दिया कि पूरी लाइन में 100 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उसमें से एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, राजेश हो सकता है, मधु हो सकती है, निशा हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो उस व्यक्ति का स्थान बोल दिया बाएं ओर से ये है या फिर दाएं ओर से ये है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये बताना है कि जिस डायरेक्शन में उसका स्थान दिया गया हो उसके अपोजिट डायरेक्शन पूछेगा वो आपको बताना है। समझ में आया आपको कंसेप्ट? ओके।
समझ में आया इसका कंसेप्ट। अब इसको ऐसे बनाते हैं कि जैसे बाय द वे यहाँ पे इसकी सिचुएशन ऐसी बनती है, अब इसको समझने के लिए आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन से यहाँ पे मैं एक पंक्ति में क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कुल 45 विद्यार्थी, एक पंक्ति में कुल 45 विद्यार्थी, जिनमें से 45 विद्यार्थी है जिनमें से निशा का स्थान दाएं ओर से बीसवां है, तो बाएं ओर से कौन सा होगा? सारे कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं। बिल्कुल आप ऐसा जैसे आप मेरे बिल्कुल करीब हो और मुझसे सीख रहे हैं, बिल्कुल मेरी क्लास आपके सामने ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने आप बैठ के पूरी क्लास ले रहे हैं, और आप बिल्कुल इसको सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आप सीख रहे हैं ना डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आप ये मत सोचिए कि तो बहुत ईजी हम कर पाएंगे, दोस्तों जो ईजी होते एग्जाम में ईजी आएंगे, ऐसे घुमा फिरा के कोई तोड़फोड़ करने वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इजी होते हैं इनके। आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, और मैं खुद आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़ती रहिए और सीखिए इनको, आप ये अच्छा करेंगे तो फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, मेरी साइड में बहुत क्वेश्चन रखे हुए हैं, 100-150 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, और जब इतने क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए तो बचेंगे क्या, आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एक पंक्ति बनाएंगे, ये हमने एक लाइन बनाया, लाइन पंक्ति रो कुछ भी मान सकते हैं इसको। जब इसमें पता नहीं है कि ये जो निशा है ये निशा का मुख किस दिशा में है, दोस्तों अब आपके विचार आ रहा होगा सर मैं तो नीचे बिठा देता हूँ नीचे मुंह करके, नहीं नहीं, आपको हमेशा अगर आपको पता नहीं क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि बैठने वाला कैंडिडेट का मुख किस दिशा में है, तो इसको हमेशा उत्तर दिशा में रखेंगे। तो इस निशा को किस दिशा में बिठाया हमने, निशा का मुख किस दिशा में है, का उत्तर दिशा में मुख है ये निशा बैठी हुई, निशा बैठी हुई है, निशा का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। अब निशा का कौन सा स्थान है दाएं ओर से, ये जो निशा है इस तरफ से है, दाएं ओर से निशा का स्थान बीसवां है, ये बीसवां है, दाएं ओर से बीसवां है, और यहां से टोटल कितने बताए उसने, टोटल कितने लोग है, 45 लोग है, लाइन में कितने लोग बैठे हुए हैं, 45 लोग है, तो ये बोल रहा है। अब ये दायां हो गया, आपको पता लग ही गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये दायां है और ये क्या है, इधर बायां है, जब एक तरफ दायां एक तरफ बायां है, क्यों पता ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप इधर ध्यान से देखेंगे इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, लेफ्ट राइट लिखने का एक रीजन है, क्यों, क्योंकि उसका मुंह उत्तर दिशा में है, अगर उसका मुख उत्तर दिशा में है तो ये इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, ये बार बार मैं बता चुका हूँ, आप पहले भी इस चीज को समझ चुके हैं कि लेफ्ट राइट क्या है, लेफ्ट राइट किधर होता है, तो यहाँ पे इस ओर राइट है, इस ओर इधर तो लेफ्ट है और ये राइट है, इसका टोटल स्टूडेंट्स की संख्या है 45, और इसमें से आपको दाएं ओर से उसने कितना कौन सा स्थान दिया, 20वां, तो वो पूछ रहा है कि भैया मेरा स्थान इधर से बताइए आप, यहाँ से मैं बाएं ओर से मेरा स्थान कौन सा होगा, ये आपको निकालना है, बाएं ओर से मेरा स्थान कौन सा होगा ये आपको निकालना है। क्वेश्चन मार्क्स लगाया मैंने,
इधर से आपका 20y और इधर से ये। तो दोस्तों हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स है 45 और 45 में से 20 को माइनस करेंगे। अब आप एक काम कीजिए, एक स्टूडेंट कम होता है जब हम माइनस करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का स्थान इधर से भी है और इधर से भी है, केवल हमें तो इधर से ही निकाल, इधर से करेंगे हम तो एक ही तरफ से निकल पाएगा, इसलिए एक स्टूडेंट्स का नंबर्स कम हो रहा है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए दोनों को 45, टोटल 45 है, 45 नंबर में से 20 को माइनस करेंगे, एक तरफ का स्थान जो भी दिया है उसको माइनस करेंगे टोटल में से और प्लस एक करेंगे। प्लस एक क्यों किया, प्लस एक क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर एक तरफ से स्थान दिया हुआ और एक तरफ से इसका ये, तो एक स्टूडेंट्स कम हो रहा है इसमें, कैसे माइनस करेंगे, जैसे इसको माइनस किया 25 और 25 और एक कितना हो गया 26, 25 और एक 26। दोस्तों कई सारे स्टूडेंट यहीं पे जोड़ देते इसको, अभी गलत है क्योंकि 20 और एक 21 होता है कभी भी, ये 20 माइनस के हैं, ये 20 हमारे पास दिए हुए माइनस के और ये क्या है प्लस के हैं, तो ये दोनों कभी भी ऐड नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है इसको यहाँ पे ऐड कर पूरा के इसमें से माइनस करने की कोशिश करते हैं, वो रॉन्ग है, ऐसा नहीं करने का है। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे और उसके बाद में ऐड करेंगे। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स यानी कि इस साइड में यानी कि बाएं ओर से कितने विद्यार्थी आए, 26 आए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो लेफ्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लेफ्ट को टोटल में से राइट को जो गिवन है आपका, ये गिवन है, लेफ्ट आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट्स है और राइट वाले स्टूडेंट्स भी आपको दिए हुए हैं, तो टोटल में से राइट को माइनस करेंगे और प्लस वन कर देंगे। अगर आपको ऐसे करना नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट निकालना है तो इस प्रकार से राइट को माइनस कर देंगे, राइट निकालना है तो लेफ्ट को माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला अगर आपको इधर से दे दिया गया होता, इसका स्थान इधर से दिया होता, तो फिर आप इधर क्या करते, राइट इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ में आया मेरा ये कंसेप्ट नंबर दो, दोस्तों समझ में आ रहा है, क्वेश्चन भी बता दिया मैंने साथ में इसको, एक क्वेश्चन ताकि आप समझ सके, मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूँ आपको, ये डिटेल्स तो अपने और पढ़ेंगे, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। बेहतरीन करने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ये जो मैं बता रहा हूँ इसकी थ्योरी है, छोटी थ्योरी है, शॉर्ट थ्योरी है, शॉर्ट में पढ़ रहे ज़्यादा, और ज़्यादा ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत भी नहीं है इसमें, ये करेंगे इसमें बहुत अच्छा मिलेगा आपको। नेक्स्ट करते हैं, इसका तीसरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट तीन में देखेंगे, इसमें है जब पंक्ति में दो व्यक्ति दिए गए हो, जब पंक्ति में दो व्यक्ति आपको दिए गए हो, हमारा कंसेप्ट तीन है, अभी तक एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, इधर से उधर से एक को ही घुमा रहे थे हम, लेकिन अब पंक्ति के अंदर कितने व्यक्ति आ गए, हमारे पास दो व्यक्ति आ गए। जब हमारे पास दो व्यक्ति आ जाएंगे तो हमें क्या करना है उसके बारे में, दो व्यक्ति कहीं भी बैठ सकते हैं, दो व्यक्ति को लेफ्ट राइट बिठा सकते हैं हम, कैसे भी उसको घुमा फिरा के बिठा सकते हैं, तो तीन चार कंडीशन बनेगी। जब दो व्यक्ति दिए गए हो उस समय हमारे पास तीन चार कंडीशन बनती है। जैसे एक कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन है जिसमें आप देखते हैं, इसी में मैं क्वेश्चंस लिखा के सोल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर एक डाल देते हैं, एक पंक्ति में बाएं ओर से ए का आठवां स्थान है, और
बी का एक पंक्ति में बाएं ओर से ए का आठवां स्थान है और बी का दाएं ओर से और बी का दाएं ओर से दसवां स्थान है, तो पंक्ति में ए और बी के बीच कितने व्यक्ति होंगे? ए और बी के बीच कितने व्यक्ति होंगे? ए और बी के बीच कितने व्यक्ति होंगे? दोस्तों मैं एक एक क्वेश्चन भी सोल्व करवा रहा हूँ साथ के साथ में आपको, ताकि दिक्कत नहीं आए, फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेकिन पहले आप इसका बेसिक अच्छे से कीजिए, अभी कोई जल्दी नहीं है तो समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं, अगर आप 10 क्वेश्चंस करते हैं 10 को ही सही करना है आपको। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में जाके केवल 10 ही क्वेश्चन सोल्व करें, नहीं, आप क्वेश्चंस तो बहुत करेंगे लेकिन वही क्वेश्चंस करेंगे जो आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उसको अच्छा सा आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और कन्फर्म आंसर दे रहे हैं, तो कुछ ही क्वेश्चन सोल्व करने पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। हमारा सिलेक्शन नहीं होने का कारण ये होता है कि हम जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं, और नहीं क्यों आएंगे, आपको क्वेश्चन आएंगे, मेरे साथ जुड़ के आप क्लास को लेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा और आप अच्छे से ले सकते हैं। के बीच कितने व्यक्ति होंगे? अब एक रो बनाया हमने, अब इसमें भी ये पता नहीं कि इसका मुंह किधर है, तो इधर लेफ्ट है, हम दोनों को बिठा देंगे, इधर ए को बिठाएंगे, एक तरफ ए को बिठाएंगे, ए का बाएं ओर से, तो इधर ए को बिठाया, तो मैंने बी को बिठाया, और इनके मुंह किस दिशा में करें हमने? इनके मुंह उत्तर दिशा में, क्योंकि ये, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर आपको ये पता नहीं कि किस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो आप उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा में ही करेंगे। तो यहां से इसका क्या किया हमने, इसको उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं, लेफ्ट यानी कि बायां और राइट, राइट यानी दायां, लेफ्ट यानी बायां, राइट यानी। अब इस ओर से यानी बाएं ओर से ए का स्थान कौन सा है? आठवां स्थान है, स्थान है आठवां, और बी का स्थान इधर दसवां स्थान है। ये न्यू कह रहा है कि इन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो दोस्तों हमें यही पता नहीं है अभी तो कि लाइन कितनी लंबी है, हो सकता है लाइन के अंदर बीसी आदमी हो, इस लाइन में हो सकता है बीसी आदमी हो सकता है 500 आदमी हो, इसके अंदर हो सकता है 1000 आदमी हो, कितनी लंबी लाइन हो सकती है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि लाइन कितनी लंबी है, और निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आगे के लोग, आगे के 8 लोग दिए हुए उसने, और पीछे के 10 लोग दिए हुए हैं, और बीच में कितने होंगे ये हमें पता नहीं है, और पता होगा भी नहीं क्योंकि हमारे पास कोई कंसेप्ट दिया नहीं है, कोई और क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यू दी नहीं हुई है, जब हमारे पास कोई वैल्यू आगे नहीं दी हुई है तो ऐसी सिचुएशन बनती है। दिखाई दे रही है आपको सिचुएशन? अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन बनती है दोस्तों, तो इनके बीच में कितने विद्यार्थी है ये या कितने लोग हैं हमें पता नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर्स होता है आंसर्स को लिखेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये हमारा आंसर होगा, इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि हमें पता ही नहीं कैसे, हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है इसमें, इसको कैसे सोल्व करेंगे।
तो ये समझ में आ रहा, मैं जो आपको बता रहा हूँ कितना बढ़िया से मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ इसका, आप अच्छे से समझ सकते हैं। जब दो व्यक्ति दिए गए हो तब आप इसको कैसे करेंगे, ये जो आपको सिचुएशन बताई है। अब आप इसको एक देखिए, किसी में अगला कंसेप्ट एक और निकाल सकते हैं अपने। देखिए बताता हूँ मैं आपको एक कंसेप्ट और, समझिए। जो कंसेप्ट है वो देखिए आप, एक मैं आपको बता देता हूँ। जब दो व्यक्ति दिए गए हो दिए गए हो और दोनों का एक ही ओर से स्थान दिया गया हो, दोनों का एक ही ओर से स्थान दिया गया हो, तो क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्वेश्चन ए का स्थान बाएं ओर से सत्रवां है, बाएं ओर से सत्रवा है तथा बी का स्थान दाएं ओर से, बी का स्थान भी दिया हुआ है, देखिए आप बी का स्थान बाएं ओर से इक्कीसवां है, तो बताओ दोनों के बीच कितने, तो बताओ दोनों के बीच कितने लोग होंगे, कितने व्यक्ति होंगे दोस्तों। हमने अब जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन से, ए का स्थान बाएं ओर से सत्रवा है और बी का स्थान बाएं ओर से इक्कीसवा है, तो बताओ दोनों के बीच कितने विद्यार्थी है, कितने लोग हो सकते हैं, कितने क्या हो सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो हमें ये पता नहीं ए और बी का मुख किस ओर है, तो इसको हम उत्तर दिशा में मानेंगे, तो ये क्या हो गया लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया इसका राइट। लेफ्ट को क्या लिखेंगे बाया और इसको लिखेंगे दाया। यहां से आप देखिए सत्रहवें नंबर पर कौन बैठा हुआ है, ए का स्थान उस कौन से पे है, सत्रहवें पे ए को बिठाया हमने, ये बिठाया ए नंबर पे बैठा हुआ है, ये सत्रह नंबर पर ए बैठा हुआ है, इसी दिशा में बाएं ओर से सत्रहवें स्थान पर है, ए को बिठाया गया बाएं ओर से सत्रहवें नंबर पर और बी को बिठाया गया यहां से, ये बी बैठा हुआ है किस ओर से बैठा हुआ है, बाएं ओर से बैठा हुआ है और कौन सा स्थान है इसका, क्या बीसवां स्थान है, ये बीसवें स्थान पर बैठा हुआ बाएं ओर से सत्रहवां और यहां से यहां तक। अब आपको ऐसे अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से निकाल सकते हैं भैया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, आप डायरेक्ट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बीच में संख्या घटा देते हैं, पता लग जाता है कितने बैठे हैं, यही करते हैं ना, इन दोनों के बीच में क्या होता है 20 में से 17 को माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना है। पर दोस्तों इसको ऐसे करते हैं, देखो ये 17 है, ये 18, ये 19 और ये कौन है 20,
न्यू पूछा कि इन दोनों के बीच में कितने हैं, तो 17 नंबर पर तो ये खुद ही है और 20वें नंबर पर ये खुद है, तो 17 और 20 को तो आपको गिनना ही नहीं है, इसके बीच में जो है उसी को लेना है, तो 17 के बाद 18 और 19, यानी कि कुल मिला के हमारे पास कितने लोग बैठे हुए हैं, बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। हमारा आंसर्स क्या हो गया, तो हमारे आंसर्स हो गया दोस्तों, मैंने जो आपको बताया आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे क्लास लेते रहिए, और मेरे चैनल को सब ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल क्लासेस वाले को चैनल्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बहुत इंटरेस्टेड चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, मेरी थ्योरी बहुत ही अच्छी कंसेप्ट चल रहे हैं और सारे कंसेप्ट आप सीखिए, क्वेश्चन तो आप अपने आप ही सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो मेरे साथ आपको सोल्व कराता आगे बढ़ूँगा मैं, और इसी के साथ मेरी क्लास आज यहीं पर समाप्त करता हूँ, कल इसी समय मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।